हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी प्री दिवाली शॉपिंग। ये इसमें जितने भी सामान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये बहुत जल्दी है, दिवाली को भी काफ़ी टाइम है, बट मैंने ये चीज़ें खरीद ली थी और इनको अपने घर में यूज़ भी करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा पहले ये सारी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, फिर जैसे जैसे मैं इनको घर में यूज़ करूँगी वो सारी चीज़ें तो आपके साथ शेयर करूँगी ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये सोफा कवर। ये मैंने इस तरह से लिए हैं। ये एक्चुअली रोल में आते हैं, तो अभी मैंने कट नहीं किया है और मुझे बैकरेस्ट तो नहीं चाहिए होता है, नीचे ही की तरफ मैं यूज़ करती हूँ। तो आपको एक बार इसका प्रिंट दिखा देती हूँ। इस तरह का है ये और पीछे से इस तरह का है, तो एंटी स्किट है और ये डबल शेड में, इधर लाइटर शेड है और इधर हल्का सा फ्लावर सब लीव बनी हुई है। और ये इस तरह से मेहंदी ग्रीन कलर का है, तो ये इस तरह से आता है। ये यहाँ से अगर आपको सिंगल सीट के लिए चाहिए तो जो ये लाइन बनी हुई है ना, यहाँ से ये कट हो जाता है। मैंने ये पूरा ही रोल लिया है इस तरह से, तो जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से ये कट हो जाएगा। तो ये इसकी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, तो इस तरह का कुछ इसका डिज़ाइन आ रहा है। तो ये है सोफ़ा के लिए कवर। इसमें आपको प्लेन भी मिल जाएंगे विदाउट डिज़ाइन, एक सिंगल कलर में भी मिल जाएगा। अगर आप बेस कलर लेना चाहते हैं मेहंदी, तो इस तरह का भी मिल जाता है। ऑफलाइन ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएंगे। ऑनलाइन का मैं आपको लिंक दे दूंगी, बट आप अपने लोकल मार्केट में भी इसको चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लगते हैं और एंटी स्किट है ना, तो फिसलते नहीं है। अभी तो मैंने यूज़ नहीं किए, बट जिस तरह का इसका स्टफ़ है और चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है, तो मे बी ये अच्छे से स्टिक रहेंगे सोफ़े के साथ में। तो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये कुशन कवर। ये गोल्डन और बेस कलर में ही हैं, तो ये बेस कलर के लिए मैंने लिए हैं। फेस्टिवल में एक्चुअली कुछ बेस कलर के ऊपर आप पॉपअप तो डाल सकते हैं, तो मैंने लास्ट ईयर आपने देखा था ना दिवाली पे, मैंने काफ़ी ब्राइट कलर के कुशन कवर लिए थे, तो उनके बीच में इस तरह से ये वाले कलर मैं ऐड कर दूँगी। और किसी कलरफुल कुशन के साथ भी आप इनको डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा सा प्रिंट है। मैं आपको क्लोजली भी दिखा दूँगी क्लिप डाल के। तो ये मैंने टू लिए हैं, मैंने पूरा मैं सेट नहीं लेती हूँ, सिक्स वाला नहीं लेती हूँ, फिर बहुत एक सा हो जाता है। तो इनको मिक्स एंड मैच करने के हिसाब से मैंने ये लिए हैं। और इसकी क्वालिटी मैं आपको बता दूँ, काफ़ी अच्छी है। साइड से इस तरह से पाइपिंग है और ये इस यहाँ पीछे जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी थिक है, जिप है और अंदर इसमें फोम लगी हुई है, तो काफ़ी थिक मटेरियल में है ये इस तरह से। थर्ड प्रोडक्ट, ये मैं बेस कलर के ही सारी चीज़ें जो ली है ना, ये लिविंग रूम के हिसाब से ली हैं। और इसके साथ ही मैंने ली है सिक्स मैट्स। ये टेबल मैट्स हैं और ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये देखिए लैमिनेटेड हैं, ये सिक्स हैं, ये सेट में हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें ना इस तरह से एम्ब्रॉयडरी भी है, नीचे प्रिंट है, तो काफ़ी सुंदर सा है। और बाहर ना इस तरह से बेस कलर की लेस लगी हुई है और ये पूरा दोनों तरफ से सील्ड है बिल्कुल। और ये देखिए इसके ऊपर आप आराम से कपड़ा वगैरह से इसको क्लीन कर सकते हैं और अंदर एम्ब्रॉयडरी है, तो काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। अभी मैं आपको उसका भी क्लोजर लुक दिखा दूँगी, तभी आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये इस तरह से सिक्स मैट्स हैं ये, और काफ़ी थिक और हेवी मैट्स हैं। तो ये मैंने ली हैं सिक्स मैट्स। के बाद आ जाती है ये एक सिंगल बेडशीट। तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि मैं डाइनिंग टेबल पे सिंगल बेडशीट ही यूज़ करती हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने ये बेडशीट ली है।
तो बहुत ही न्यूट्रल कलर में मैंने इस बार रखा है सारा कुछ, ये देखिए इस तरह से। तो बेसिक कलर अगर रहता है ना तो उसके ऊपर आप कलरफुल अगर रनर डालते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और फेस्टिवल में हम काफ़ी सारी कलरफुल चीज़ें तो यूज़ करते हैं, तो बेस के लिए मैंने इस तरह से लिया है। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा छोटी बूटी वाला चाहिए था बट वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने इसी को ले लिया। तो ये है इस तरह का एक सिंगल बेडशीट, तो ये एज अ टेबल कवर यूज़ होगा डाइनिंग टेबल पे, ये है। इसके बाद आ जाते हैं, ये मैंने कुछ कर्टन्स लिए हैं और ये ना थिक मटेरियल में हैं, ये मैंने 2 के सेट में लिए हैं। एक तो ये वाला कर्टन है, ये 7 फिट की लेंथ में है, ये इस तरह का है कर्टन और ये काफ़ी थिक मटेरियल में है, ये देख सकते हैं ब्लैकआउट कर्टन ही है एक तरह से। इसमें ये ग्रीन और मेरे सोफे का कलर भी सेम ही है ना इस तरह का, और इसमें आप येलो कुशन कवर लगा दें उस तरह से बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो ये मैंने लिविंग रूम में कुछ मिक्स एंड मैच करने के लिए ये कर्टन लिया है, तो ये मैंने 2 लिए हैं, ये 2, और ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं, तो ये मुझे 500 ईच पड़ा है, मतलब 1000 रुपीज़ में 2 कर्टन, और थिक है काफ़ी मटेरियल, तो इसको भी मैं आपको क्लोजली दिखा दूँगी। और एक और कर्टन मैंने लिया है, ये मैंने न्यूट्रल कलर में लिया है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं लिविंग रूम में, अभी देखते हैं कौन सा यूज़ करेंगे। और इसके साथ मैं वाइट कॉम्बिनेशन में रखने वाली हूँ, उसके साथ मैं सोची थी अगर ब्राइट रखेंगे तो येलो रखेंगे, और ये वाला इस तरह का है, ये बेजली सी बनी हुई है और इसका भी काफ़ी थिक मटेरियल है, ये देखिए इस तरह का, ऐसे कॉटरेज टाइप का कपड़ा लग रहा है, इस टाइप का है ये। तो ये है एक, और एक ये है 2 कर्टन, ये तो 2-2 मैंने लिए हैं, मिक्स एंड मैच के हिसाब से ही लिए हैं, मैंने पूरे एकदम वैसे नहीं लिए हैं कि पूरे लेने। एक है ये उली, ये होम सेंटर से लिए इस तरह की, तो ये है एक उड़ली। इसके बाद आ जाते हैं, ये मैंने कुछ प्लेटर लिए हैं, इसको आप एज अ ट्रे भी यूज कर सकते हैं, इसमें इस तरह से वुडन है और बीच में इस तरह का प्रिंट है, लैमिनेट किया हुआ है। एक इस तरह का, ये इसमें हैंडल है, उसमें हैंडल नहीं है, ये देखिए इसमें इस तरह का हैंडल है, तो कुछ भी स्नैक्स वगैरह सर्व करना ना उसके लिए काफी अच्छा है, पूरा वुड का बना हुआ है, ये देखने में भी सुंदर लगेगा। और एक मैंने ये ली है छोटी सी ट्रे, ये वुड की है, प्योर वुड में है ये, तो काफ़ी हैवी सी है, और इस तरह का डिज़ाइन तो आपने देखा ही होगा, ये बहुत पुराना डिज़ाइन है ट्रे में, बट इसकी क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी लगी मुझे, हैवी है और थोड़े ग्लासेस वगैरह आपको अगर पानी वगैरह सर्व करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है, और नहीं तो आपको अगर कहीं पर यूज़ करना है इसको कुछ चीज़ रखने के लिए तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटी सी ट्रे है ये, ये और ये मैंने एक ही शॉप से लिए थे एक्चुअली, वहाँ पर इस तरह का लोकल सामान था, ये देख सकते हैं ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये अगर आप लेना चाहें। एक मैंने ली है ये केन की बास्केट इस तरह की, इसको आप चपाती सर्व करने के लिए, पूरी रखने के लिए, कोई गेस्ट आता है उसके लिए कर सकते हैं यूज़, या फिर एज अ ऑर्गेनाइजर भी आप कर सकते हैं, आप अपने टीवी रिमोट वगैरह वो सब इसके अंदर रख सकते हैं, चार्जर वगैरह, तो ये देखने में भी सुंदर लगती है और चीज़ें भी छुपी रहती हैं। तो इस तरह से ये है ये एक बास्केट। अब बच गए हैं 2, ये लास्ट प्रोडक्ट, ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये ब्रास के इस तरह के 2 कंटेनर हैं,
लिड के साथ में हैं। एक्चुअली दिवाली वगैरह पे ना ड्राई फ्रूट वगैरह सर्व करने उसके लिए मैंने लिया है, पर साइज़ काफ़ी छोटा सा आया है इसका, पर फिर भी ठीक लगेगा टेबल पे रखा हुआ। तो मैंने अभी ओपन नहीं किया है इसको, मैं इसको ओपन भी कर देती हूँ आपके सामने। इस तरह का दिखता है ये कंटेनर, ये और इसका ये डार्क कलर का लेड है और नीचे से इस तरह का है ये। प्रॉपर ये टाइट तो नहीं है बट यस टाइट है लेड इसका। तो ये है भी है और इसके साथ हमें मिली है ये एक ट्रे। इसको आप इसके साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं बट अलग से भी पूजा के कुछ चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको भी मैं ओपन कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है ये। इसका लेड काफ़ी टाइट था, ऐसे टाइट है लेड, ऐसा नहीं है एयर टाइट नहीं है बट टाइट है। अब तो कुछ रखने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। तो इस तरह का कुछ लुक आ रहा है इसका, तो अच्छा लगेगा ये मेरे को लगता है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हैं दिवाली पे, इस तरह से है। और इसके ऊपर भी इस तरह से पिक्चर बनी हुई है ड्राई फ्रूट्स की, और या फिर आप इस तरह से मुखवास भी रख सकते हैं। इसका प्राइस इसमें 2000 रुपीज़ लिखा हुआ है, मुझे मैंने ये ऑनलाइन लिया है तो आपको बता दूंगी कि कितने का ये मुझे पड़ा है, साइड में डाल दूंगी या फिर आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरह से ये है, क्वालिटी अच्छी है एक्चुअली, ऐसे दब नहीं रहा बहुत ज़्यादा। इस तरह का ये है, अब खोल लेते हैं ये लास्ट प्रोडक्ट। ये एक प्लेटर है, ये एक्चुअली सिरामिक का प्लेटर है, इस तरह का दिखता है ये वाइट और ये गोल्डन इसमें ऊपर से। और ये डिशवॉशर में आप यूज़ नहीं कर सकते इसको एक्चुअली, जिनके ऊपर ये इस तरह का गोल्डन वॉक होता है ना उनको डिशवॉशर में यूज़ नहीं करते, वो निकलने के चांस होते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें जो प्रिकॉशन लिखी हुई है, माइक्रोवेव में भी यूज़ नहीं कर सकते, वैसे भी प्लेटर है तो प्लेटर कोई क्यों ही माइक्रोवेव में यूज़ करेगा। तो इस तरह का कुछ दिखता है ये, दो सेक्शन हैं बीच में आप जो भी अपनी डिप रखना चाहें उसके लिए। तो इस तरह से थे आज के ये प्रोडक्ट, इनको मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से खरीदे हैं, मिक्स हैं ये। तो अगर मुझे लिंक मिल जाते हैं जो ऑफलाइन प्रोडक्ट हैं उनके भी मैं आपको दे दूंगी, और जो ऑनलाइन लिए उनके तो मैं आपको लिंक दे ही दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपकी दिवाली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपने क्या क्या खरीदा, और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, क्लीनिंग के काफ़ी सारे वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आगे भी आपके साथ में शेयर करूँगी, लिविंग रूम में जो भी चेंजेस करूँगी वो सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपको क्या पसंद आया मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी फीडबैक है उसका हमेशा वेलकम है, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।